फ्रेंड्स, आज का सुविचार ये है कि समय और भाग्य दोनों ही परिवर्तनशील हैं। देखिए थे ना उसको, एवर चेंजिंग। इसलिए अच्छे समय में कभी अभिमान और कठिन समय में चिंता ना करें, क्योंकि दोनों ही बदलेंगे ज़रूर। नमस्कार माय डियर फ्रेंड्स, आपका हमारे चैनल एस्ट्रो साई गुरु में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। आज हमारी चर्चा बहुत महत्वपूर्ण है, सूर्य के राशि परिवर्तन के ऊपर है। आज हम सूर्य का जो राशि परिवर्तन 16 अगस्त से लेकर 16 सितंबर तक हो रहा है, बहुत ही विशेष ये योग है। हम चर्चा आज कर रहे हैं सबसे पहले वाली राशि मेष राशि पे, जो कि पहली नंबर की राशि है और इसके स्वामी मंगल हैं। ये मेष राशि पे एक महीने के लिए क्या असर देगा, क्या इनकी समस्याओं में कमी आएगी। सबसे पहले मैं बता दूँ, सूर्य भगवान पूरे एक साल बाद अपनी ही स्वयं की राशि सिंह राशि में आ रहे हैं। सबसे पहले मैं बता दूँ, आपके गृह गोचर स्थिति में आपके दूसरे भाव में मंगल के साथ जो हैं, मंगल के साथ बुध, मंगल के साथ जो हैं गुरु भगवान हैं, और साथ में फिफ्थ हाउस में जो है स्वयं सूर्य भगवान, और उसके साथ शुक्र भगवान और बुध भगवान और गोचर में हैं। साथ में आपके ग्यारहवें भाव पर शनि भगवान हैं। हम चर्चा बेसिक हम सूर्य पे ही सीमित रखेंगे। सूर्य भगवान जो, ये हम पहले मैं बता दूँ डिस्क्लेमर कि ये चंद्र राशि पर आधारित है। जिनको अपनी चंद्र राशि नहीं पता तो नाम राशि से या लगन से भी देखा जा सकता है। देखिए, सूर्य भगवान जो हैं राजा हैं, और ये अथॉरिटी हैं, ये गवर्नमेंट को डिनोट करता है, ये अधिक तेज को डिनोट करता है। तो ऐसे में सूर्य का जो गोचर जो है, ये एक महीने के लिए जो है ये काफ़ी परिवर्तनशील होने वाला है और बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है हमारे मेष राशि वालों के लिए। देखिए, मेष राशि के स्वामी मंगल हैं, और मंगल और सूर्य भगवान जो है मित्र हैं, परस्पर मित्र हैं। ऐसे में देखिए, पंचम भाव सबसे पहले मैं बता दूँ, विद्या संतान का और आपके सारी लव लाइफ को भी ये डिनोट करता है। तो पंचम भाव में सूर्य भगवान का आना अपने ही राशि पांच नंबर की राशि सिंह राशि में, ये आपके एक तो सबसे पहले बता दूँ, आप जो लोग एजुकेशन फील्ड में हैं, आपके लिए नई योजनाएं बनेंगी, सफलता आपको मिलेगी। एग्ज़ाम्स में जो हमारे बच्चे हैं बच्चियाँ हैं रिसर्च एंड डेवलपमेंट फील्ड में हैं कॉलेज की, उसमें इनके लिए सफलता मिलेगी। साथ ही इनकी पढ़ाई में और एग्ज़ाम्स में और इंटरव्यूज तीनों, और दो लोग गवर्नमेंट के जो भी जॉब्स, गवर्नमेंट के जो जॉब्स या गवर्नमेंट के रिलेटेड चीज़ें कर रहे हैं, उनको बहुत लाभ होने वाला है। और ओवरऑल जो है कॉम्पिटिटिवनेस, ओवरऑल आपकी जो शार्पनेस वो बहुत बनेगी बढ़ेगी। इसके बाद हम आते हैं हेल्थ का। हेल्थ के कारक सूर्य भगवान जो हैं बहुत ही शुभ हैं। ये आपकी पुरानी सेहत की या स्वास्थ्य की कोई भी जो पुरानी समस्याएं रही हैं या रही होंगी, उसको आप जड़ से निकालेगा और आपके अंदर ज़बरदस्त सुधार होने वाला है। ये तीसरा, ये पंचम भाव मित्रों का भी होता है, तो आपको मित्रों से आपका अच्छा मेल मिलाप रहेगा, आपको लाभ भी रहेगा और आपको सपोर्ट भी मिलेगा। पंचम भाव जो शेयर मार्केट, गोल्ड सिल्वर स्टॉक्स मार्केट्स सट्टा बाजार, इससे भी डिनोट करता है। तो इस समय में आपको इन सब फील्ड से भी अधिक लाभ मिलने के अच्छे योग हैं। संतान की ग्रोथ में आपको संतान से जो भी कष्ट रहे हैं, संतान से कह सकते हैं कोई दिक्कत रही हो मैरिज की या कोई भी, उनमें जो है आपको उसमें भी काफ़ी सुधार मिलेगा। संतान से आपको अच्छे शुभ समाचार मिलने के योग बनेंगे। इसमें हम एक और बता देंगे, सूर्य के साथ अभी शुक्र भी हैं, और शुक्र सेवंथ के लॉर्ड हैं, और सेवंथ लॉर्ड होने के कारण क्या है, ये धन के, ये रिलेशंस में धन के कारक हैं, धन और वृद्धि, धन वृद्धि कराएंगे। और साथ ही आपको एक और चीज़ ध्यान रखने वाली बात है कि जो आपके जो पार्टनरशिप्स, वेदर इट इज़ बिजनेस पार्टनरशिप्स, बिजनेस पार्टनरशिप से धन के नए स्त्रोत्र और नए आवागमन होंगे। इसके बाद सूर्य और बुध का भी संबंध बना हुआ है फिफ्थ हाउस पर, तो आपको जो कम्युनिकेशन, बैंकिंग, आईटी, मैन्युफैक्चरिंग, मेटलर्जी, इस सेक्टर से भी आपको अधिक लाभ मिलने के योग हैं। साथ में जो आपके सेकंड हाउस में मंगल के साथ गुरु भगवान हैं, तो शत्रुओं का परास्त होना निश्चित है। शत्रु जरूर जो है आपको कष्ट करेंगे, मगर आप उनको परास्त करेंगे, क्योंकि ये मंगल के कारण है। साथ में गुरु भगवान जो है लाभ देंगे फॉरेन रिसोर्सेज से, फॉरेन के इम्पोर्टेड, इम्पोर्ट एक्सपोर्ट के काम से, तो ये अच्छा है। एक ही थोड़ी चिंता की जो विषय ये है कि सूर्य और शनि का सेवंथ दृष्टि बनी हुई है, इलेवेंथ हाउस पर शनि भगवान गोचर कर रहे हैं, तो ऐसे में आपको कुछ ना कुछ छोटी छोटी परेशानियां रह सकती हैं फ्रॉम कॉम्पिटिटर्स या ऑफिस में राइवल्स से, मगर वो कुछ कर नहीं पाएंगे। तो ऐसे में
मंगल जो है ओवरकम कर पाएंगे, गुरु भी अभी वेल प्लेस्ड हैं और साथ में सूर्य भगवान भी वेल प्लेस्ड हैं। तो हम जो है 16 अगस्त से जो 16 सितंबर तक का समय मेष राशि वालों के लिए, जो एरीज वालों के लिए है, ये समय बड़ा अच्छा समय है। इसके लिए क्या खास उपाय हैं, शनि के मंत्रों का जाप करें, ओम शम शनिश्चराय नमः का 7 बजे बात करें, मंगल के उपाय करें क्योंकि आपके राशि के लॉर्ड मंगल हनुमान जी हैं, हनुमान पूजा करें, हनुमान चालीसा सुंदरकांड का पाठ करना शुभ रहेगा, गुरु भगवान के जाप का भी आपके लिए शुभ योग बनेगा। तो फ्रेंड्स, मैंने ये आपको बताया है, ये जनरल रीडिंग है, स्पेसिफिक रीडिंग के लिए आप हमारे से 8010001346 पर संपर्क कर सकते हैं। और मैं उम्मीद करता हूँ इस वीडियो को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे। और मेरी प्रार्थना है कि सारे मेष राशि और एरीज वालों को ये सितंबर तक महीना आपके लिए शुभ रहेगा। थैंक यू माय डियर फ्रेंड्स, एंड आपको हार्दिक शुभकामनाएं। थैंक यू।